फ्रेंड्स ऑफ ओस्लो कमेटी की जानिब से ओस्लो की एमेरूड मस्जिद में खूबसूरत महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया, जिसमें ओस्लो और गिर्दनवा से बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। तफसीलात के लिए देखें नॉर्वे से अकील कादिर की रिपोर्ट। फ्रेंड्स ऑफ ओस्लो कमेटी की जानिब से ओस्लो की एमेरूड मस्जिद में एक खूबसूरत महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में ओस्लो और गिर्दोनवा से शुरका ने शिरकत की। डॉक्टर अलामा अदील जाहिद तकरीब के मेहमान खसूसी थे, जबकि कारी अंसर अली कादरी ने खसूसी नात शरीफ पेश की। तकरीब का आगाज अलामा सिफतुल्ला मुजद्दी ने कुरान पाक की तिलावत से किया। وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا चौधरी सजाद दाद, अब्दुल मनान, चौधरी वकास सरवर और अबू जर असलम ने नात शरीफ पढ़ने की सआदत हासिल की। कमली वाला बोलो आया, कमली वाला आमदे मुस्तफा मरहबा आमदे मुस्तफा मरहबा चेहराए वदुहा मरहबा आया कमली वाला। डॉक्टर अदील जाहिद ने महफिल से खिताब करते हुए कहा कि खुदा का कुर्ब हासिल करने के लिए हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस्वाए हसना को अपनी जिंदगी में अपनाना होगा। इस मौके पर उन्होंने दुनिया न्यूज से गुफ्तगू करते हुए अपने ख्यालात का इजहार भी किया। आज इधर एमेरूड मस्जिद में फ्रेंड्स ऑफ ओस्लो की तरफ से महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहतमाम किया गया और मुझे सआदत मिली एक शॉर्ट सा लेक्चर देने की, और मैंने कोशिश की एक मैसेज देने की कि नबी अलैहिस्सलाम के आने से लोगों के शौक बदले, लोगों के ज़ौक बदले, लोगों के अंदाज बदले। वो लोग जो तकलीफ पहुँचाने वाले थे, वही लोगों के लिए खैर व बरकत का जरिया बन गए, ठंडक का जरिया बन गए। तो मैंने ये मैसेज देने की कोशिश की कि उनका आना मेरे और आपके शौक बदले, वो चीज़ें जो मेरे लिए आपके लिए मुहाल यानी मुश्किल हैं, वो उनके आने की बरकत से, उनके किरदार, उनकी सीरत, उनकी तालीमात से वो मेरे और आपका हिस्सा बने और मुझे और आपको सवारे निखारे। हम बस वो एक ट्रेडिशनल आना जाना ना रहे, हम इन महफलों से वाकई सवरे निखरें, खूबसूरत होएं और वाकई एक अच्छे एम्बेसडर इस्लाम के और नबी अलैहिस्सलाम के खूबसूरत दीन के हम अच्छे एम्बेसडर बने। और अल्लाह ताला उम्मीद है कि अल्लाह इस मैसेज को सारों के दिलों तक पहुँचाए और हमें वाकई स्पेशली इधर यूरोप में, नॉर्वे में, अल्लाह हमें एक अच्छी एग्जाम्पल बनाए।